आर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन हैदराबादी बिरयानी। तो उसके लिए एक किलो चिकन ले लिया है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और डेढ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और इन सब और एक चम्मच नमक डालेंगे। तो इन सब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से लगा देंगे। तो हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह से लगते हैं, इसलिए हम हाथ से लगाएंगे। अब पतीले में ऑयल गरम करेंगे। चार चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, उसमें दो चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं। गरम होने देते हैं। जब गरम हो जाएं तो खड़े गरम मसाले दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, हरी इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा भी डाल देंगे और इन्हें चटकने देंगे। जब ये चटक जाएं तो इसमें कटी हुई दो प्याज़ों को ऐड कर देंगे और इसमें कलर आने देंगे। चलाते हुए जब प्याज में कलर आ जाए, हल्का कलर आ जाए, तो इसमें एक चम्मच हल्दी भी डाल देंगे और इसको भी चलाएंगे। चलाते बराबर रहेंगे हम। तो ये हमारे प्याज भी हो चुकी हैं, तो कटे हुए चार टमाटर भी डाल देंगे और चार पांच हरी मिर्च भी डाल दी हैं कटी हुई। और ये टमाटरों को सॉफ़्ट होने देते हैं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाए तो एक बाउल हरा धनिए की डाल देंगे, इसको भी पकने देंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। जब और ढककर मसाले को और भुनने देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ़्ट हो जाए। तो टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं, तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। तो चिकन अच्छी तरह से भुन रहा है। चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। तो चिकन हमारा भुन चुका है, इसे ढक देंगे। ये हमने एक किलो चावल ले लिए हैं। इन्हें आधे घंटे पहले बासमती चावलों को भिगो दिया था। और चिकन को चिकन में थोड़ा पानी डालेंगे और चावलों को ऐड करेंगे। भीगे हुए चावल इसमें डाल दिए हैं। चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और चावलों को गलाने के लिए पानी डाल देंगे। ऊपर से हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां भी डालेंगे। इनको भी मिक्स कर देंगे और अब इनको नमक चेक कर लेंगे इस पॉइंट पर, और कम होगा तो डाल देंगे, नहीं तो फिर ठीक है। और इसको कवर करके पकाएंगे, बीच में चेक करते जाएंगे। तो चावल करीब करीब हमारा हो चुका है। अब ये दम पे रखने के लिए तैयार है। इसका पानी सूख चुका है। तो अब एक मोटे कपड़े को पतीले पर रख देंगे और ऊपर से एक थाली भी ढक देंगे। चेक करेंगे 10 मिनट बाद। तो लीजिए, तैयार है शानदार सी हैदराबादी चिकन ताहिरी। लीजिए, तैयार है चिकन ताहिरी। ये खाने में लाजवाब है, ज़रूर ट्राई करें। सलाद के साथ पेश करें और साथ में बूंदी का रायता भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।